झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, हालांकि मॉनसून की बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। लिहाजा तमाम विपक्षी सदस्य चाहते हैं कि राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। सरकार अब तक विलंब कर रही है, इसके पीछे क्या तकनीकी कारण नजर आता है सर? देखिए, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सुखाड़ नहीं, यह बकाल की स्थिति है, क्योंकि 1% बीजा भी रोपा नहीं गया है, धान एकदम नग्न है, बरसात नहीं हो रही है। सरकार को चाहिए था कि जल्द से जल्द इसका सर्वे कराए कि कहाँ कहाँ कितना क्षति हुआ है, कितना पानी पड़ा है, कितना बिजड़ा उपाय है। कृषि विभाग को जरूरत थी कि ये सब काम करने के त्वरित कर दी में प्रोएक्टिव तरीके से। सरकार रिएक्टिव तरीके से काम करेगी, जब अकाल की स्थिति आ जाएगी, लोग के पास अनाज नहीं रहेगा, तब जाके मुआवजे की घोषणा करेगी, बात करेगी, वो भी दूर की बात है। वर्तमान में सरकार इनएक्टिव दिख रही है, सरकार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, सरकार परेशानी में है, ईडी के अवैध खनन के मामलों में घिरी हुई है, सरकार का पूरा ध्यान अपने आप को बचाने में है। आपके खुद विधायक विरंची नारायण वो कहते हैं कि ईडी का अगला निशाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। नहीं देखिए, वो तो ईडी अपना काम करती है, वो तो एक सतत प्रक्रिया है, जांच एक सतत। आपने चोरी किया होगा तो आप पकड़ाएंगे, नहीं चोरी किया होगा तो आप नहीं पकड़ाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आपकी मानसिक स्थिति अभी डाइवर्टेड है, जनता को जो चाहिए वो ये प्रदेश की सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। आपने सुना होगा दादा कि 2 JSSC के एग्जामिनेशन है, एक को रद्द किया गया, एक को स्थगित किया गया। झारखंड का जो नौजवान है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो खुद खुद ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब करने की क्या जरूरत है ताकि नौजवानों को नियोजन के साथ जोड़ा जा सके? देखिए, JSSC JEE की जो परीक्षा है उसमें तो धांधली हुई है, मैंने गैर सरकारी संकल्प भी डाला था, उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया है। सरकार को लगा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो मिलना चाहिए तो वो देखिए, सचिवालय की परीक्षा होना, CGL की भी हो रही है, जो एजेंसी है जो काम करा रही है वो एजेंसी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस ये थे BJP के विधायक अमित मंडल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं ली जा रही हैं उस एजेंसी पर ही कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किंग्स ऑर्गेनिक टोमेटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों की सेहत का भी ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।